हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं मखाने की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो देखिए ये किस तरह बनता है। तो ये आप फास्टिंग में खा सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो ये मखाने को मैं रोस्ट कर रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। और इधर वो रोस्ट हो गया, फिर उसको मैं हल्का ठंडा करके फिर उसको ग्राइंड करूँगी। इधर मिल्क में गैस पे उबलने के लिए रख दी हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम करके इसको 2-3 मिनट के लिए उबालना है। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप, इसमें क्या क्या दे रही हूँ। आप इसी तरह के बनाइएगा। देखिए 100 ग्राम चीनी है और मखाने रोस्ट कर लिए हैं। और ये कोकोनट बुरादा है, 4-5 चम्मच है। और वो इलायची पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून। और काजू है कुछ, और थोड़ा सा यो थोड़ा सा जो कटोरी में मखाने हैं वो बाद में डेकोरेशन के लिए मैं रख दी हूँ। और इसको मैं ग्राइंड कर ली मखाने को। देखिए ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना है मखाने को, ज़्यादा पाउडर रहेगा तो ठीक नहीं बनेगा इसका खीर। और मिल्क इधर उबल रहा है, उसमें मैं डाल देती हूँ। 2-3 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर मिल्क को उबाल ली थी। और इसमें डाल के मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है, 4 से 5 मिनट तक चलाते रहना है, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। कोकोनट बुरादा इसमें डाल देती हूँ, उबलने टाइम ही डालना है। ये गाढ़ा हो रहा है तो बनके अब तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा है। अब ये बनके तैयार हो गया है। इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और लास्ट में मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। और इसको चीनी फिर देकर इसको मिला दूँगी। 2-3 बार इसको मिलाकर फिर इसको गैस पर से नीचे रख दूँगी फैन में, फिर ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको फैन के सामने रख दिया है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इसको डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। मैं मखाने के साथ काजू को भी पाउडर बना दी थी, और 2-3 काजू ऊपर से मैं डेकोरेशन में रख, और लास्ट में मैं इलायची पाउडर भी डाल दी थी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मखाने और काजू से मैं डेकोरेशन कर दी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप सब ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड फास्टिंग में। अभी तो सावन का मंथ स्टार्ट हुआ है। डियर, आज का ये रेसिपी पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल पर। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।